हम तो समझ रहे थे कि दुनिया से पैसे आएंगे, दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसके नतीजे में ना आपकी ये बाहर से इन्वेस्टमेंट्स रुक गई सारी। और मैं जो अब खुल के बात कह देते हैं ना, मशरिक को मगरिब और शुमाल जो मैं कह रहा था, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त देखें जो भारत है वो दुनिया भर को आटा देता है। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो मोमेंटम ले रही है, ये है इंडिया की डिस्कशन। देखें ये सिस्टम जो है ना, ये तो ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल इसका ढांचा मुर्दा, एक बस दफनाने की बस है। आप इंडिया को एक दफा कहें, आप कहें कि सर ये जरूरत है हमें, ये एक ऐसी चीज है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया चलता है इंसानियत पर, वहां पर वो इंसानियत की बात की जाती है। मतलब आप लेवल तो चेक करें, वहां पर डिस्कशन क्या हो रही है। दैट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। आपने इंडिया को जाके देखना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह ना पाकिस्तान की मीडिया में भारत को लेकर चर्चा की जा रही है, और पाकिस्तान की मीडिया को ना एक होप थी कि पाकिस्तान के भी अच्छे दिन आएंगे। जिस प्रकार से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो रहा है, तो वैसे ही दिन पाकिस्तान के भी आएंगे, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन उनके सपनों पर जो है ना पानी फिर चुका है। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम तो समझ रहे थे कि अब पैसे आएंगे, डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी अच्छी चलेगी। भाई यहाँ तो हर चीज़ रुक गई है। जो रोज़ाना पाकिस्तान के टीवी स्टेशन में और पाकिस्तान की आप अखबारें खोलें तो जो आपको नज़र आता है, आपको लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। आए भारत में, मैं आपको लेके चलूँ, वहाँ पे क्या बात हो रही है जी। एशिया का सबसे अमीर आदमी जो है उसने अपने बेटे की शादी की टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन, एडले ड्रेक, डेविड बेकम, ये गेस्ट लिस्ट में है। ये है वहां पे डिस्कशन, ठीक है जी। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो मोमेंटम ले रही है, ये है इंडिया की डिस्कशन। दिस इज व्हाट इंडिया डिस्कशन इज, ठीक है जी। वहां पे बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, ठीक है जी। और इंडिया की जो वहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि इंडिया को अपना रिलायबल ऑयल जो है वो चाहिए। वहां पे ये डिस्कशन हो रही है, इंडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कि जी मोदी साहब जो हैं वो अमन को बड़ी अहमियत देते हैं, वो मॉस्को भी गए थे, अमेरिकन उनसे नाराज हैं, ये है वो है, ठीक है जी। अब उस पर वहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि मोदी ने यूक्रेन को तनकीद कर दी, दुनिया कह रही है वाह वाह मोदी साहब वाह, ठीक है जी। वहां पे इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि वहां पे जो मोबाइल एप्स हैं उनका बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। इंडिया में जो डिस्कशंस हो रही हैं कि जी इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो 130 अरब डॉलर की। मतलब आप लेवल तो चेक करें, वहां पर डिस्कशन क्या हो रही है। दैट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। आपने इंडिया को जाके देखना है तो वहां पे साउथ एशिया के, अगर आप पढ़ने पूरी दुनिया के आप अखबारें उठाएं और वहां पे जाके ये पढ़ना शुरू कर दें, वहां पे पढ़ना शुरू कर दें कि वहां पे एशिया में, इंडिया में मोदी क्या कर रहा है, ठीक है। वहां पे ये डिस्कशन हो रही है, मोदी साहब G7 गए हुए हैं, वहां पे जॉर्जिया मलोनी से मुलाकातें कर रहे हैं। वहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि भाई हम इतने अरब डॉलर के राफेल खरीदेंगे, हम जो है वो अमेरिका की जो है वो चाइना, अमेरिका के लिए हम चाइना के बैकयार्ड में कोई अमेरिका के हम कोई पिट्ठू के तौर पे काम नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बात करेंगे। वहां पे डिस्कशन हो रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिस्कशन हो रही है। वहां पे ये डिस्कशन हो रही है कि अपने बच्चों को कैसे दुनिया के जो ममालिक है वहां पे भेजना है, ताकि वो जर मुबादला, फॉरन एक्सचेंज रेवेन्यू भी भेजें, फॉरन रेमिटेंस भी भेजें, और सॉरी फॉरेन रेवेन्यू, फॉरेन रेमिटेंस भेजें और हमारे लिए जो है वो तरक्की का सबब बने। वहां पे तो डिस्कशन ही कुछ और हो रही है। और आप पाकिस्तान की अखबार दिखा लें, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप कोई भी जिसे जिसे कहते हैं ना वो दिखा लें कि एक तो सबसे बड़ी खबर ये है, ठीक है जी। दूसरा जी बन्नू के अंदर, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, बन्नू एक शहर है खैबर पख्तूनख्वा में जी, वहां पे दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। इमरान पुलिस जो है वो इमरान खान को उसने 9 मई के केस में अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी। जो जर्नलिस्ट है उसको नौशहरा में कत्ल कर दिया गया,
ठीक है जी, गवर्नमेंट जो है उसको आईएमएफ का प्रोग्राम मिल गया, एज ए डिस्कशन पॉइंट, एज ए टोटल कहानी, ये टोटल कहानी ये है। मैं तो हैरान परेशान हूँ यार, मतलब कोई बात है करने वाली, मतलब दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो यार, चीजें ऐसे थोड़ी चलती हैं भैया, चीजें ऐसे थोड़ी चलती हैं। आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो? बेसिकली हो कह रहा, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में लड़ाई हो गई है, और लड़ाई हो गई है जुडिशरी की एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में जो द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की और फौज की लड़ाई हो गई है, ये है लड़ाई। इमरान खान कहता है मैं कल ही काफी हूँ, ठीक है जी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है तुमने पावर में आना है, तुम्हें हमारी आशीर्वाद चाहिए, हमने तुम्हें पूरी जिंदगी सपोर्ट किया, हमने अपने तुम्हें अपना एसेट बनाया, हम तुम्हारे लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने दीवार से लगाया, हमने तुम्हें पावर में लेके आने के लिए लोगों को तुम्हारी पार्टी में लेके आए, हम तुम्हारे लिए आईएमएफ से बात करते रहे, अमेरिका से बात करते रहे, सऊदी अरब से बात करते रहे, और तुम उठे और आके अब हमें आंखें दिखाते हो और कहते हो कि जी मैं इस मुल्क का पॉपुलर तरीन वजीर आजम हूँ। कौन सा पॉपुलर तरीन वजीर आजम? मैं एक बात बताऊँ आपको, एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना ही नहीं आता। एक है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना आपने इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, एक है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना डोमेस्टिकली। देखिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो जो मरूजी हालात हैं उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है दैट वील्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, और ये हिस्ट्री है, ये मैं नहीं ये कह रहा, मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग जिसको वो कहना, हिस्ट्री है, हमारे पैदा होने से पहले ही सारा कुछ बिक बुक गया हुआ था, फौज ने पावर ली हुई थी, सियासतदानों ने पावर दी थी पहले ही, मतलब इट्स लॉन्ग स्टोरी, मतलब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सियासतदानों को इस चीज का पता ही नहीं है कि सिविलियन सुप्रीमेसी लेनी कैसे है, अचीव कैसे करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिशमेंट को एस्केप कैसे देना है, उनको पीछे कैसे करना है, ये मैं समझता हूँ। और उसके उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ये सारे इगोटिस्ट पॉलिटिशियन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा है और भारत के अंदर किस प्रकार का माहौल चल रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार एक कमर चीमा, उनको आपने यहाँ पर सुना है, तो वो यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो वहाँ के इमरान खान की जो पार्टी है ना उसको पूरी तरीके से बैन करने का जो है ना एक सिस्टम चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उन्हें रिहा किया गया, फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर यही खेल चल रहा है। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। साथ में वो कंपैरिजन कर रहे हैं भारत के साथ में कि भारत के अंदर किस प्रकार का माहौल है, भारत के अंदर किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, भारत की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर देखी हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।